नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है अनिशा किचन में। और शाम के जो कि 6 बज चुके हैं, आज बहुत ज़्यादा गर्मी और उमस है, तो आज सबका जो कि हल्का फुल्का खाना खाने का मन कर रहा है, तो आज हम बनाने वाले मूंग दाल की खिचड़ी, जो बड़ा ही स्वादिष्ट बनता है। तो इसमें हम डालेंगे पालक के पत्ते और हमारे खेत में जो कि हरे चने हैं, तो उसको भी हम छील के डालेंगे, जिससे खिचड़ी का टेस्ट जो है काफ़ी अच्छा आएगा। तो चलते पहले अपने खेत से पालक लेते हैं। तो अपने देखिए खेत में आए, यहाँ से देखिए ताज़े पालक के पत्तों को लेते हैं 1-2 मुट्ठी। गर्मियों का मौसम आ गया है और कभी कभी मन करता है कि हल्का खाना खाया जाए, तो सबसे बढ़िया होता है मूंग दाल की खिचड़ी, जो कि हल्का भी होता है और काफ़ी बढ़िया भी लगता है खाने में। आज हम बनाएंगे अपने गांव के देसी तरीके से मूंग दाल की खिचड़ी, जो खाने में बहुत बढ़िया लगता है। देखिए, एक मुट्ठी हमने पालक ली, एक मुट्ठी और लेते हैं। ऐसे हमारे खेत में गर्मी वाला पालक लगाया गया है, लेकिन अभी थोड़ा छोटे हैं, तैयार नहीं है। धनिया भी पहले से लगाया गया था, तो काफ़ी इसके बड़े बड़े पत्ते, ताज़े पत्ते हैं, इसको ले लेते हैं। गर्मियों के मौसम में हरी साग सब्जियां ज़्यादा खानी चाहिए। चलते खेत से हरे चने ले लेते हैं। तो खेत में हमारे देखिए काफ़ी सारा देखिए हरा चना लगाया गया है, अब सूख रहा है ये, तो हरा चना यही से लेते हैं खिचड़ी में डालने के लिए। तो देखिए 2-3 मुट्ठी ले लिया है, उसको छील के हम डालेंगे खिचड़ी में। तो हरे चने को देखिए ले लिया हमने, इसको लेके चलते हैं। तो ताज़े देखिए हरे धनिया पत्तियों को लेते हैं। तो देखिए खेत में जो कि ताज़ा धनिया लगाया है काफ़ी सारा, इसके पत्ते ले लेंगे खिचड़ी में डालने के लिए, बड़ा ही अच्छा टेस्ट आता है इन धनियों का। मूंग दाल की खिचड़ी बनाने के लिए देखिए चूल्हे के पास आ गए हैं। यहाँ पे देखिए हमने पालक 2 मुट्ठी लिया, इसको छांट लिया है। इधर 2 टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, और यहाँ पे देखिए चने को भी हमने छील लिया, कच्चे चने को। और यहाँ पे देखिए हमने लिया 1/2 कटोरी मूंग दाल, इसको धुल लेते हैं। और ये रहा नया चावल, नए चावल खिचड़ी बनाएंगे, जिससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा और खिचड़ी काफ़ी टेस्टी और काफ़ी हेल्दी बनेगा कच्चा चना डालने से। जितने लोग के लिए खिचड़ी बना, उसके हिसाब से आप चावल कम बेसी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम 4-5 लोग खिचड़ी बना रहे हैं, तो हमने 1.5 गिलास चावल लिया है और 1/2 कटोरी हमने दाल लिया है मूंग दाल। थोड़ा चने को और छील लेते हैं और सभी चीज़ों को काट छाट के लगाते हैं और खिचड़ी बनाते हैं। खिचड़ी बनाने के लिए यहाँ पे हमने कुकर में सरसों का तेल डाल लिया, इसमें डालेंगे जीरा 1/2 चम्मच, स्वाद डालेंगे हींग। इधर हमने तड़के के लिए हरी मिर्च, अदरक, लहसुन, प्याज काटा, इसको डालते हैं। अब तड़के को अच्छे तरीके से लाल कर लेते हैं। इधर हमारा तड़का देखिए लाल हो गया, इसमें डालेंगे हरा चना जो हमने छीला, इसको डाल देते हैं। चने उठा कर भून लेते हैं, इससे खिचड़ी काफ़ी हेल्दी बनेगा। और अब इसमें डालते हैं हम टमाटर, यहाँ पर 2 हमने टमाटर काटे, इसको भी डाल लेते हैं साथ में, इसको भूनते हैं। और यहाँ देखिए जो मूंग दाल हमने धुला था, इसको भी डाल देंगे। मूंग दाल के साथ हम चना, टमाटर, इसको भी हम भूनेंगे थोड़ी देर तक। मूंग दाल डाल के देखिए हमने भून लिया है थोड़ी देर तक, उसमें डालेंगे पालक कटा हुआ, जो 2 मुट्ठी देखिए हमने पालक, इसको छाट के धुल लिया था, इसको काट लिया हमने बारीक, और इसको डालते हैं। आते थे इसमें हरे मटर और आलू भी डाल सकते हैं, गोभी भी, बीन्स वगैरह भी डाल सकते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है खिचड़ी खाने में। गाजर भी डाल सकते हैं। पालक डालने के बाद देखिए इसको सलाद दे रहे हैं और इसमें डालेंगे हल्दी और नमक, इसमें डालते हैं स्वाद अनुसार नमक। तो नमक हमने डाल दिया इसमें, अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच हल्दी पाउडर। हल्दी और नमक डालने के बाद इसको चला दे रहे हैं और चलाने के बाद थोड़ी देर तक इसको भून लेते हैं। तो पालक देखिए भूनते भूनते ही गल गया है, अब इसमें डालेंगे हम धुला हुआ चावल, इसको डाल लेते हैं। ये नया चावल है, इससे खिचड़ी का टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। अब इसमें डालेंगे पानी, हम चावल के ऊपर तक पूरा पानी डालेंगे। मूंग दाल की खिचड़ी को हम ज़्यादा सूखा नहीं बनाएंगे, थोड़ा पतला ही बनाएंगे, इसमें देखिए पानी डालते हैं। तो पानी हमने इसमें 3 लोटा भर के डाल दिया अच्छे से, और धनिया के पत्तों को हम डालते हैं जो हमने बारीक काटा, इसको डालेंगे। धनिया डालने के बाद देखिए हमने इसको चला दिया, इसका ढक्कन लगा लेते हैं, इसमें 2 सीटी लाकर खिचड़ी को पका लेंगे। कुकर में देखिए हमने गैस निकाल दिया है, ढक्कन खोलते हैं। ये देखिए हमारे मूंग दाल खिचड़ी बनकर रेडी हो गया, कितना बढ़िया लग रहा है। चला दे रहे हैं और खिचड़ी को देखिए निकालते हैं थाली में। गर्मी का मौसम हो गया, थोड़ा पतला खिचड़ी खाने में बहुत अच्छा लगता है। इसमें पालक और कच्चा जो चना डाला हरा वाला, इससे टेस्ट काफ़ी अच्छा आएगा। इसमें डालेंगे हम देसी घी, ये देखिए हमारे घर का देसी घी, इसको 1 चम्मच डालते हैं और खिचड़ी हम
अचार के साथ इसको खाएंगे, आम के अचार के साथ। ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है खिचड़ी दोस्तों, मूंग दाल की। गर्मियों के मौसम में हल्का फुल्का खाना खाने का मन करता है तो मूंग दाल खिचड़ी देखिए इस तरीके से आप बना सकते हैं। इसको बनाना बहुत आसान है, बहुत सिंपल तरीके से मैंने बनाया है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करते रहिए कि आप लोग को हमारा वीडियो कैसा लगता है। नए वीडियो साथ मिलते हैं, धन्यवाद।